नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। और मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां योगी सरकार ने त्योहारों के समय बड़ा तोहफा दिया है। दशहरे दिवाली पर विद्युत उपभोक्ताओं को ये बड़ा तोहफा दिया गया है। दिए बिजली की टैरिफ दरें अपरिवर्तित रहेंगी। इस दौरान लगातार पांचवें वर्ष सभी ऋणी के उपभोक्ताओं को तोहफा है। ये यूपी को समृद्ध, हरित और आधुनिक बनाने के लिए दरें नहीं बढ़ाई गई है। सबसे ज्यादा यूपी के उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है, ऐसा बिजली मंत्री एके शर्मा का कहना है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां यूपी में दिवाली और दशहरे के मौके पर विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा यूपी सरकार ने दिया है। दिए बिजली की टैरिफ दरें अपरिवर्तित रहेंगी। लगातार पांचवें वर्ष सभी ऋणी के उपभोक्ताओं को ये तोहफा दिया गया है। यूपी को समृद्ध, हरित और आधुनिक बनाने के लिए ये दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। सबसे ज्यादा यूपी के उपभोक्ताओं को इस दौरान बिजली मिल रही है। तो यूपी सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा है। दशहरे और दिवाली पर विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया गया है। आपको बता दें कि देय बिजली की टैरिफ दरें जो हैं वो अपरिवर्तित रहेंगी। लगातार पांचवें वर्ष सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को ये तोहफा दिया गया है। वही यूपी को समृद्ध और हरित और आधुनिक बनाने के लिए दरें नहीं बढ़ी हैं। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अवनीश मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ जानकारी है? यूपी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है उपभोक्ताओं को। जी, क्योंकि आप जैसा कि जान रही हैं, किसान बड़ा परेशान रहता था अपने खेत में हरियाली लाने के लिए, तो ऐसे में मुख्यमंत्री महोदय और सरकार ने जो है उनको तोहफा दिया है और कुछ तो बिजली मुफ्त कर दी गई है और कुछ के दर गिरा दिए गए। बिल्कुल अनीस, ये भी खबर सामने आ रही है कि पिछले पांच वर्षों से जो है इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है, इस बार भी दरें जो है वो अपरिवर्तित रहेंगी। तो इसको लेकर किस तरह की लोगों में जो है खुशहाली देखने को मिल रही है? अगर हम लोगों की बात करें तो जैसे जहां आपका महीने का 5000 रुपए का बिल आता था, वहां अगर 2000 रुपए आए तो एक खुशहाली की तो बात है, कम से कम 3000 रुपए की दर कम होगी। तो ऐसे में लोग जो है काफी खुशहाल भी हैं सरकार के नीतियों से और सरकार की सराहना भी हो रही है। वहीं किसान जो है अपने खेत में जैसे हरियाली लाने के लिए लाइन लगाना पड़ता था और जगह जगह तो ट्यूबवेल की भी सारी सुविधाएं हो रही, सरकार जगह जगह जो है जगह को चिन्हित कर रही है और ट्यूबवेल की भी व्यवस्थाएं लगातार निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जल की व्यवस्था बढ़ती जा रही है, लोग जो है फ्री में अब अपने खेतों में पानी भी चला रहे हैं। बिल्कुल अवनीश, जिस तरह से योगी सरकार ने किसानों को हो या उपभोक्ताओं को हो देखा जाए तो काफी बड़ा तोहफा ये दिवाली और दशहरे के मौके पर दिया है। बिजली की जो दरें हैं उनमें बदलाव नहीं किया गया है। एक तरह से किन लोगों को इसका सीधा सीधा फायदा? सबसे अधिक फायदा जो है किसानों को होगा और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको होगा। जैसे जिनके पास संपत्ति अथाह हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, वो निश्चिंत होकर के चलते थे, लेकिन जो एक एक रुपए जुटाने में परेशान रहते थे उनके लिए बड़ा तोहफा है ये। बिल्कुल, क्योंकि देय बिजली की जो टैरिफ दरें हैं वो अपरिवर्तित रहेंगी, लेकिन अभी आपने बोला कि किसानों के लिए इससे सबसे ज्यादा फायदा है। लेकिन अगर बात करें बिजली की, तो बिजली की मार तो सबसे ज्यादा जो मिडिल क्लास है उन्हें झेलना पड़ता है, तो उस हिसाब से उस लिहाजा से देखा जाए तो कितना फायदा होगा? तो मिडिल क्लास के लोग अगर जैसे एक महीने का वो बिजली दर जमा कर दिए तो दूसरे महीने के लिए वो परेशान रहते थे, क्योंकि उनकी सबसे कम व्यवस्थाएं रहती थी, 10 रुपए की व्यवस्था है, 10 रुपए जुटाने में उनको सोचना पड़ता था। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके लिए समस्याएं नहीं थी, उनके लिए तो बेहतर था। लेकिन जो गरीब है जिसकी एक बल्ब की आवश्यकता हो जलाने की और उसको बिजली जलाने पर बिल जमा करना होता था, कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो एक बल्ब का कनेक्शन लिया हो और एसी के बराबर और कमर्शियल के बराबर माना जाए बिजली का बिल आ जाता था, तो उसके लिए काफी चुनौती भरा रहता था। छापेमारी भी की जाती थी, बिजली उसकी आपूर्ति ठप भी कर दी जाती थी और उसके ऊपर दर भी लगा दिए जाते थे। किसी तरीके से जो है मुकदमे के न लड़ने के भय से
वह व्यक्ति जो है इनसे उनसे कर्जे लेकर के सूद और ब्याज पे उनको भरता था, तो इन सब से उसको लगभग माना जाए कि निजात मिलेगी। बिल्कुल, यानी गरीब लोगों को और किसानों को सबसे ज्यादा इस जिस तरह से बिजली दरें ना बदलने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है, इस निर्णय से सबसे ज्यादा फायदा। लेकिन अगर अवनीश बात करें, लगातार ये पांचवा साल है जब बिजली दरों में, चाहे वो किसी भी श्रेणी का उपभोक्ता हो, बिजली दरों में उसके लिए किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा, किस तरह से इसे देखा जाए? जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब जो व्यवसायी है वो तो चाहता है कि रेट बढ़े, दर बढ़े, लेकिन जो व्यवसायी नहीं है उसके लिए तो समस्या है। जैसे माना जाए जितने भी सरकारी विभाग होते हैं वहाँ बिजली का बिल लगभग माना जाता है नहीं लगता है, हमको लगता है कि वहाँ की सेवा अनलिमिटेड होती है। लेकिन वहीं जैसे आप ये बताइए, जो एक बल्ब का कनेक्शन लिया हो और कमर्शियल की बिजली का बिल आ रहा हो, तो सोचने वाली बात है, तो कहीं ना कहीं से उसकी जो है बिजली आपूर्ति तो ठप होनी है। जैसे आपका महीने का 200 रुपए का बिल हो और एक बैग 10,000 रुपए का बिल आ जाए, तो वो सोचने वाली बात है। और 5 लाख 7 लाख का बिल पता नहीं कहाँ पे आ जाता है, लोग परेशान भी रहते हैं। एक मंत्री जो एके शर्मा है, उन्होंने ये बोला है कि सबसे ज्यादा जो है यूपी के उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है, तो धरातल पर ये कितना सही है? हाँ, अगर यूपी की बिजली की व्यवस्था की बात करें तो लगभग 20 से 22 घंटा बिजली निरंतर रह रही है। और अच्छा, बिजली भी भगती है तो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे, इससे अधिक नहीं, क्योंकि व्यवस्था यहाँ बिजली की 24/7 है। वो वही इन्वर्टर कनेक्शन सौर ऊर्जा वाले जो है इस समय झक मारते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी अवनीश, यहाँ पर बड़ा तोहफा दिवाली और दशहरे के मौके पर सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए। अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। राम मंदिर के शिखर की पहली परत जो है वो तैयार हो गई है। आपको बता दें कि 29 परतों में 4 माह में बनकर तैयार हो गया है। वही 161 फीट ऊंचा है ये परत। आपको बता दें कि राम मंदिर का शिखर ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें साझा की है। तो 29 परतों में से 4 परतें जो हैं वो तैयार हो गई हैं। आपको बता दें कि 161 फीट ऊंचा है ये राम मंदिर का शिखर। तो बड़ी सौगात है ये यूपी के लिए, जो ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें साझा की है। टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। तो ट्रस्ट ने सोशल मीडिया के जरिए इसे तस्वीरें साझा की हैं। तो राम मंदिर के शिखर की पहली परत जो है वो तैयार हो चुकी है। 29 परतों में 4 माह में बनकर तैयार हो गया था। वही 161 फीट ऊंचा ये राम मंदिर का शिखर है। आपको बता दें कि ट्रस्ट ने सोशल मीडिया के जरिए तस्वीरें साझा की है। खबर बलरामपुर से है, जहां दबंगों का कहर देखने को मिला है। बता दें कि बेखौफ दबंगों ने उधार सामान ना देने पर एक दुकानदार युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे लड़का ने दुकान खोला था, उन्होंने सामान जबरदस्ती पूरा। कौन कौन थे? संदीप, राम कुमार, राजा, नेत्राम, जरावटी। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके पास में राम कुमार हथियार लेकर लड़के के हमारे सर में मारते, उसने कहा मैंने सामान नहीं देंगे। उसके बाद में संदीप ने फोन करके एटीएफ को सबको बुला के हमारे घर पे चढ़ाई करके हमारे लड़के को मारा, हमारा सामान तो फोड़ डाला सब। उसके बाद में क्या हो गया, लड़का हमारा गिर गया, भाग के मैंने थाने पे गए। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। अमित शाह से मिले केशव प्रसाद मौर्य, हरियाणा में जीत की दी बधाई। आपको बता दें विजयदशमी पर्व की भी उन्होंने बधाई दी। इसके साथ ही यूपी उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। मुलाकात के बाद तस्वीरें भी शेयर की गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अमित शाह से केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की, हरियाणा में जीत की बधाई भी दी। इसके साथ ही क्योंकि आज विजयदशमी है, इस पर्व को भी लेकर बधाई दी है। इसके साथ यूपी उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। तो इस मुलाकात में यूपी उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई, तस्वीरें शेयर की गई हैं। इसके साथ आपको बता दें कि
दिल्ली पहुंचे थे केशव प्रसाद मौर्य, जहां उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद उन्होंने हरियाणा में बीजेपी की जीत की जो है वो बधाई दी। इसके साथ ही आज विजयादशमी है, इस पर्व को भी लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने बधाई दी है। आपको बता दें कि यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई थी। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की कर लेते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का आज त्योहार है, आज विजयादशमी है। ऐसे मौके पर देश भर में धूमधाम से दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का ये पर्व है। श्री राम ने त्रेता युग में आज ही के दिन रावण को मारा था। कई जिलों में इस दौरान रामलीला और मेले का आयोजन हो रहा है। आज रावण के पुतले में आग जो है लगाई जाएगी। साथ ही दशहरे मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेले का इंतजाम हो रखा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह रावण बनने की तैयारी है। रावण का पुतला जो है वो बनाया जा रहा है। आज विजयदशमी का मौका यानी आज दशहरे का पर्व और बुराई पर अच्छाई की जीत का आज का ये त्योहार होता है। देश भर में धूमधाम से दशहरे को लेकर तैयारियां की जा रही है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का ये पर्व और आज ही के दिन श्री राम ने त्रेता युग में रावण को मार गिराया था। तो बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। पुलिस ने हिस्ट्री शीटरों की एक क्लास लगाई है। आपको बता दें, रिकॉर्ड में दर्ज हाजिरी लगाने पहुंचे हिस्ट्री शीटर की परेड कराई गई। वहीं हाथ में तख्ती थमाकर उनसे परेड कराया गया। आपको बता दें, हिस्ट्री शीटरों ने अपराध न करने की कसम भी खाई। वहीं प्रभारी निरीक्षक निर्भय सिंह ने कहा कि अपराध से दूर रहेंगे। हरदोई थाना शाहबाद की ये घटना बताई जा रही है। तो हिस्ट्री शीटरों को परेड कराई गई, उनकी क्लास लगाई गई। इसके साथ ही उन्हें कहा गया कि वो आगे से अपराध न करें। हाथ में तख्ती थमाकर उनके परेड कराई गई। आपको बता दें कि इसे लेकर प्रभारी निरीक्षक निर्भय सिंह ने कहा कि अपराध से आपको दूर रहना है। ये पूरी जो घटना है वो शाहबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो पुलिस ने हिस्ट्री शीटरों की क्लास लगाई है। रिकॉर्ड में दर्ज हाजिरी लगाने पहुंचे हिस्ट्री शीटर। वही खबर वृंदावन से है, जहां बिग बॉस में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे धर्म प्रचारक अनिरुद्राचार्य का धार्मिक नगरी में विरोध शुरू हो गया है। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को इसे सनातन संस्कृति का अपमान बताते हुए कथा प्रवक्ता का प्रतीकात्मक पुतला दहन भी किया। बता दें कि पुतला दहन के बाद आक्रोशित लोगों ने कोतवाली पहुंचकर धर्म प्रचारक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने को लिखित तहरीर भी दी। मुझे लगता है इनको पैसे की जरूरत थी, दौलत की जरूरत थी। अरे भाई, अभी कल परसों रतन टाटा चला गया, क्या लेके गया? जब तेरी डोली निकाली जाएगी और बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, उन हकीमों से कहो ये जाकर बोलकर किताबा करते थे, किताबें खोल कर वो हर किसी निपटानी जाएगी। बिग बॉस में जाने से कुछ नहीं है, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे उसके पैर छी रहा है। क्या ब्राह्मण, क्या जो पीठ वाला व्यक्ति, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अभिलाषी। क्योंकि जो पीठ आ गई है वो कथावाचक है, हमारे पूजनीय है। क्या उन्होंने राम राम कहा? क्या उन्होंने राधे राधे कहा? क्या उन्होंने इनको कुछ कहा? सत्सुनकाल कहा? किसी को कुछ नहीं कहा। बोले आइए डॉक्टर साहब, उसके बाद ये पैरों में गिर गए और वो माफी मांगने का उनका एक ढोंग हो चुका है। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम जिला प्रशासन से, कि जब तक कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी इनके खिलाफ, इनको जेल नहीं भेजा जाएगा जब तक ये धज्जियां हमारे हिंदू धर्म की इसी प्रकार से उड़ती रहेगी रहेगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है दशहरा का पर्व। आपको बता दें कि मथुरा में रहने वाले छोटे खां चार पीढ़ी से रावण,
अहिरावन के पुतले बना रहे हैं। वहीं 40 साल से खुद को अपनी कलाकारी भी दिखा रहे हैं छोटे खां। इसी को लेकर इंडिया वॉइस के मथुरा संवाददाता मोहम्मद फारूक ने श्री राम लीला ग्राउंड जाकर पुतलों को बनाने वाले छोटे खां और रामलीला सभा के पदाधिकारियों से बात की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मथुरा का प्रसिद्ध रामलीला ग्राउंड है जहां पर लाखों की भीड़ होती है। ये हमारे साथ में छोटे खां हैं और ये कई पीढ़ियों से यहां के रावण और जो और मेघनाथ, हे रावण मेघनाथ ये सब यहाँ पर बनाते हैं और इनके जो बच्चे हैं अब वो बना रहे हैं, यानी कई पीढ़ियों से ये मुस्लिम परिवार है और ये रावण बना रहा है। और यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में इसकी तेजी से तैयारियां चल रही हैं। कल विजयदशमी का पर्व है और कल यहीं पे लाखों की भीड़ होगी। और अभी आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका बताएं? छोटे खां। छोटे खां जी ये बताइए आप कब से इसकी तैयारी कर रहे हैं? करीब डेढ़ महीना हो गया। डेढ़ महीने से आप तैयारी कर रहे हैं? तो क्या क्या आप बनाते हैं? रावण, कुंभकर्ण, रावण, मेघनाथ सब बनाते हैं। अच्छा, मेघनाथ जो लीला में काम आते हैं वो चीज बनती है, सुलोचना वगैरह ये सब। कल आज सुलोचना और मेघनाथ का दहन होगा। आज किसका दहन होगा? मेघनाथ का और सुलोचना सती होंगी। अच्छा, उनके घर से। अच्छा अच्छा, तो आप कब कितने समय से ये बना रहे हैं? आप यहाँ करीब 40 साल से बना रहे हैं। उससे पहले हमारे पिताजी, उससे पहले उनके पिताजी, उनके पिताजी, पांचवी पीढ़ी, अब मेरे बच्चे पांचवी पीढ़ी में जा रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। मैं तो खाली देखभाल करता हूँ इन बच्चों की। अच्छा, ये जो है कब जो रामलीला आपका ग्राउंड है इसमें कब लगाई जाएंगे, खड़े किए जाएंगे? ये कल करे आएंगे दसवीं के दिन 3-4 बजे। कल दसवीं के दिन 3-4 बजे खड़े किए जाएंगे। तो इसमें जो है जो चारों पांचों आपने बनाए सब खड़े होंगे? नहीं, दो खड़े होंगे और हो चुके ना प्रोग्राम, एक कल हो जाए, आज भी आएगा दो का दो कल, इस तरीके से चले गए आप, पहले हो चुका ये लीला चालू है नए फिल्म का। अच्छा, मतलब लीला जो है ये, अच्छा यहाँ रामलीला जो है रात में डेली होती है? नहीं नहीं, रात में चित्रकूट पे होती है और शाम के टाइम में यहाँ होती है। कल जो है रात के 10 बजे तक लीला यहाँ ही होगी मैदान में, रावण दहन होगा। रावण दहन होगा। तो देखिए ये छोटे खां हैं, मुस्लिम परिवार है, यानी 40 साल से कर रहे हैं यहाँ पर काम और उससे पहले भी ये काम यहाँ पर करते चले आ रहे हैं, यानी इनके पिताजी भी और इनके जो बच्चे हैं वो पांचवी पीढ़ी होंगे, ये चौथी पीढ़ी हैं। तो ये लोग सब जो है मुस्लिम परिवार है और रावण, हे रावण, सुलोचना, ये और मेघनाथ ये सारे जो है पुतले बनाते हैं और डेढ़ महीने से यहीं पर हैं और इनकी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ के हमारे साथ में जो रामलीला कमेटी के यहाँ मेंबर्स हैं वो यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं क्योंकि कल विजयदशमी का पर्व है। और अभी हमने बात करी थी छोटे खां से जो 40 वर्षों से अधिक से, यानी वो अपने बच्चों को पांचवी पीढ़ी बता रहे हैं, वो रावण, रावण मेघनाथ सबके जो पुतले हैं वो बना रहे हैं, डेढ़ महीने से यहाँ काम चल रहा है। उधर पीछे मंच है, इधर तैयारियां चल रही हैं, बिजली की तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और हमारे साथ में रामलीला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका बताएं? संजय, बिजली वाले। संजय जी बताइए कब से ये तैयारियां चल रही हैं और तैयारियों का जो अंतिम रूप दिया जा रहा है वो किस तरीके से? वैसे तो रामलीला की तैयारियां करीब 1-1.5 महीना पहले ही चालू हो जाती हैं और ये दशहरा पर्व के लिए यहाँ पे फाइनल टच दिया जा रहा है। आज हमारे पुतले भी बन के लगभग तैयार हो चुके हैं, कल दोपहर तक उनको हम खड़ा करा देंगे। अब की बार रावण का पुतला जो है हमने करीब 81 फुट ऊंचा बनवाया है और जिस समय वो जलेगा उसकी नाभि में से अमृत और मुंह से अंगारे बरसते हुए नजर आएंगे। और रामलीला की व्यवस्था के लिए हमने मैदान में भी दो हमारे रथ तैयार होके आएंगे, राम जी का और रावण का, तो उसका भी अवलोकन हमारी सबरी जनता रथों में भी युद्ध का दर्शन कर सकेगी। तो जिस तरीके से आपने बताया कि जब श्री राम जी अपना तीर मारेंगे नाभि में तो वो नाभि में अमृत यानी निकलेगा, अमृत और रस बरसेगा जी। हाँ जी, वो जब राम जी अपना अग्निबाण छोड़ेंगे तो रावण की नाभि।
वहीं नागपुर में आरएसएस सदस्यों ने विजयदशमी उत्सव के मौके पर पथ संचालन का आयोजन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस दौरान मौजूद रहे। यहां हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में पथ संचालन के दौरान आरएसएस के सदस्य ढोल नगाड़ों के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अगर आप देखें तो दूसरी तस्वीर में आरएसएस प्रमुख शस्त्र पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। पद्म भूषण और पूर्व आई इसरो प्रमुख के राधा कृष्णन भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। और तीसरी तस्वीर अगर आप देखें, तीसरी तस्वीर की अगर बात करें तो आप उसमें देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में विजयदशमी मनाने के लिए इकट्ठा होकर संघ प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं। तो ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरएसएस ने भी कार्यक्रम का इस दौरान आयोजन किया। विजयदशमी का आज मौका और इस मौके पर आरएसएस की तरफ से विजयदशमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। और नागपुर में आरएसएस सदस्यों ने विजयदशमी उत्सव के अवसर पर पथ संचालन का भी आयोजन किया। इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। क्योंकि परिस्थिति हमेशा चुनौतियां तो रहती ही है, अच्छा भी रहता है। दुनिया की हो, देश की परिस्थिति हो, अभी वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते समय आपने बताया भविष्य के लिए तैयार होना है, और भविष्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाएं लेके आएगा। आज तक विज्ञान कई प्रकार की सुविधाएं लेकर आया है, तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है, परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इसराइल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे और दुनिया पर इससे कौन सा संकट आएगा, इसकी चिंता सबको लगी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की